राजधानी जयपुर में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन संक्रमण को रोकने के लिए अभी तक जिला प्रशासन, पुलिस और चिकित्सा विभाग के बीच तालमेल ठीक से नहीं बैठ पा रहा। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जयपुर में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर ब्रेक आखिर कैसे लगे, क्योंकि जिम्मेदार तो दफ्तर में बैठकर कागजों में काम पूरा करने में लगे हुए हैं। कोरोना और जनता भगवान भरोसे, सरकार के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन की कोरोना बैठक, बैठक महज खाना पूर्ति, ठोस उपाय अभी भी नहीं। मैन पावर की बताई गई कमी, जयपुर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन के तमाम उपायों को देखकर लगता है कि कोरोना और जनता अब भगवान भरोसे है। जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने जिला प्रशासन, पुलिस और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के बाद जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने कहा है कि बीते कुछ दिनों से चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों द्वारा कोरोना संक्रमितों के घर के बाहर नोटिस नहीं लगा रहे थे, जिससे कोरोना संक्रमित मरीज बाहर घूम रहे हैं। ऐसे में अब मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दोबारा नोटिस लगाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन कोरोना संक्रमित होने और पॉजिटिव मरीजों की बढ़ोतरी के चलते अब मैन पावर की कमी हो रही है। साथ ही कलेक्टर ने कहा है कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए RUHS में बेड बढ़ाए गए हैं। नहीं, वो तो सभी के, जैसे जो भी आदमी पॉजिटिव आ रहे हैं उनके कुछ दिनों से थोड़ा सा इसमें डिलाई हो गई थी कि उनके जाके पैम्पलेट्स नहीं चिपकाए जा रहे थे कोविड का, जिसके बारे में जानकारी नहीं थी, उसको एक्टिवेट किया, क्योंकि पूर्व में चुनाव आदि भी थे, अब जैसे शादी ब्याह का भी लगभग खत्म सा हो रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में उनको निर्देश दिए हैं। और ये जो बीट कॉन्स्टेबल्स हैं, थाने को प्रत्येक को लिस्ट पहुंचाई जाएगी और बीट कॉन्स्टेबल्स 10 दिन में 2-3 बार उनको जाके चेक करके उनको देखेगा कि वो बाहर नहीं निकले, उनको ये समझाइश करेंगे कि भाई आप अपने घर में ही रहें। कंटेनमेंट जोन बनाना बड़ी चुनौती, एक घर से लेकर गली तक ही कंटेनमेंट जोन, पुलिस द्वारा किया जाएगा पॉजिटिव आने वालों को पाबंद, लेकिन सामंजस्य की कमी के चलते फेल होगी व्यवस्था। सरकार की नई गाइडलाइन के बाद कंटेनमेंट जोन को लेकर आम जनता में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा का कहना है कि शहर में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिस घर में कोरोना पॉजिटिव आया है उसी घर को केवल पाबंद किया गया है। उसके लिए जिला प्रशासन, CMHO की टीम और पुलिस द्वारा घर पर कोरोना पॉजिटिव पोस्टर चस्पा कर पाबंद किया है। वहीं पुलिस और जिला प्रशासन के बीच सामंजस्य नहीं होने के कारण ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि शहर में कंटेनमेंट जोन के आदेश कौन निकालेगा। इसको लेकर जिला प्रशासन की कोई तैयारी भी नजर नहीं आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, कंटेनमेंट जोन्स की परिभाषा समय के साथ बदलती रही है। पहले कंटेनमेंट जोन्स 1 किलोमीटर के भी थे, 3 किलोमीटर तक उनका बफर किया, उसके बाद जब नंबर बढ़ने लगा तो उसकी कम कर दिया गया। अब जैसे एक ही मान लो कॉलोनी में एक मकान आ रहा था, उसमें पूरी उस कॉलोनी को या उसके कंटेनमेंट जोन करने से कोई उसका उत्तर नहीं, तो वो एक पैम्पलेट लगा के उसको पाबंद कर दिया जाएगा, भाई इधर से उधर बाहर नहीं जाए, और उसी अनुसार किसी क्षेत्र विशेष में, किसी गली में, किसी एक पर्टिकुलर मोहल्ले में यदि लार्ज नंबर आता है, 30-40-50 आदमी यदि पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो वैसे जोन्स को, कंटेनमेंट जोन को ऑर्डर जारी करने के लिए आज निर्देश पे। जयपुर में कोरोना संक्रमण अनकंट्रोल होने के बाद जिला प्रशासन ने कोरोना कंट्रोल बैठक आयोजित की, लेकिन बैठक में दिए दिशा निर्देशों के अनुरूप काम नहीं हुआ तो कोरोना संक्रमण शायद ही कम हो। उसके लिए प्रशासन को एक बार फिर युद्ध स्तर पर काम करना होगा। A1 TV के लिए लोकेश शोला की रिपोर्ट।